अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों क्या हाल है मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जी एरर सात सौ चालीस इसके बारे में बताएंगे कि ब्रदर चार तीस डी या कोई भी चार सौ तीस डी मशीन हो उसके अंदर एरर सात सौ चालीस कैसे रिमूव किया जाता है ठीक हो गया ये आपके सामने मशीन ऑन है जनाब जिमसी की ये मशीन है चार सौ तीस डी सात सौ चालीस का एरर आ रहा, रहा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी कि इसके अंदर फ़ैन का ये एरर है ये देखें जी इसके अंदर फ़ैन उतरा हुआ है अगर हम फ़ैन के बग़ैर इसे चलाना चाहें ये देखें जी फैन किसी ने उतारा हुआ है इसमें स्क्रू दो लगे हुए हैं बस तो अगर फ़ैन के बगैर हम इसको चलाना चाहें तो वो कैसे चलाएंगे ये हम आज आपको बताएंगे सबसे पहले तो हमने ये इसका सी कार्ड जो है ये उतारना है ठीक हो गया ये देख रहे हैं जी सामने जो छोटा सी कार्ड लगा हुआ है साइड पर राइट साइड पर सबसे पहले हम इसे उतारेंगे ये इसके जगह हमने उतार दिए हैं जनाब इसके जैक उतारने के बाद इस कार्ड को बाहर निकालेंगे और जब भी इसके जैक आपने उतारने बड़े ही ध्यान के साथ उतारने ताकि कोई इसकी वायर जो है वो टूट ना जाए ब्रिक भी वायर लगी होती है इसके अंदर ये हम इसका कार्ड उतारे हैं जी इसके जैक उतारेंगे सारे लेकिन इस वक्त इसके सारे जैक उतर चुके हैं स्क्रू हमने लूज़ कर लिए पहले इसके ये हम इसको बाहर निकालेंगे नीचे वाले दो जैक जो है ये भी उतारे जी ये हमने बाहर निकाल के रख लिया है तो ये जी हमारा सीपीयू कार्ड ये इसके ऊपर एक छोटा सा जैक लगा हुआ है जिसके अंदर फैन का जैक लगता है तो इसी से सात सौ चालीस का एरर आता है इसी से हम इसको रिमूव करते हैं इसका तरीका कार है वो अभी हम आपके सामने इसको करेंगे ठीक ये देख रहे हैं जी ये पहली नीचे वाली ऊपर ये तीन पिन वाला जैक है जनाब ठीक होगा ये हेड जो हेड स्विच का जैक है उसके थोड़ा सा नीचे लगा होता है ये देखें जिस पर हम फिंगर लगा रहे हैं ये जैक है जी इसकी कौन सी हमने दो पिने शार्ट करनी है ये देख लें ये ऊपर वाली दो पिनें पहली और दूसरी ये दो पिने जो हैं इनको हमने डायरेक्ट करना होता है डायरेक्ट करने से इससे हमारा फ़ैन जो है बेशक हम फैन उतार के रख दें कोई मसला नहीं इसके बगैर ये भी हम चला सकते हैं ठीक हो गया ये देखें जी तीन पिन वाला जैक ऊपर वाली दो पिनें हमने जोड़नी है वो कैसे जोड़नी है वो हम आपको बताते हैं जी ये देखें जी ये एक और ये दो ये दोनों जो हैं इनको हमने जोड़ देना है हम इधर ही शोल्डर लगा देंगे ये देखें जी शोल्डर के साथ और कविये के साथ हम इसको इधर ही अटैच कर देंगे लेंगे ये काफी हमारा गर्म है इसके साथ हमने इसको सोल्ड किया ये लेंजिए इसकी पिन्ने अब कंबाइन हो गई हैं शॉट हो गई हैं थोड़ा सा मजीद इसको अच्छे तरीके से लगा देते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए ये देख जी क्लोज़ करके दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारी पिने शॉर्ट हैं ठीक हो गया ये देखें आपको वाजह नजर आ रहा होगा ये दो पिने शॉर्ट हैं नीचे वाली इनसे अलहदा है ठीक हो गया जी अब इस कार्ड को हम आपको चला के चेक करके भी दिखाएंगे ऑन करके भी दिखाएंगे ये देख लें ये दो पिन्हें हमने शॉर्ट कर दी है और नीचे वाली अलहदा है ठीक हो गया ये जनाब ऊपर वाली दो पिने हैं बार बार फिर बताने का है कि मकसद है कि आपको याद रहे ये हम जैक जो है अब सारे इसके वापस लगा रहे हैं वापस लगाने के बाद फिर हम आपको चला कर चेक भी करवाएंगे ये जनाब मरा डिस्प्ले का जैक है ठीक हो गया सबसे पहले इसके स्क्रू लगाते हैं ताकि कार्ड जो आसानी से उसको होल्ड कर सकें हम इसके सारे स्क्रू हम लगा लेते हैं जी चार स्क्रूज के ऊपर लगे हुए हैं कईयों के ऊपर दो लगे होते हैं साथ उन्होंने एक्स्ट्रा वो पिन्हें सी लगाई होती हैं अब इसको हम ऑन करेंगे ऑन करके आप कुछ ला के भी चेक करवाएंगे ये जनाब इसका वाई इनकोडर का जैक है जो वाइट वाला है ब्लू वाला एक्स सॉरी जो वाइट वाला वो एक्स मोटर इनकोडर का है ब्लू वाला वाई मोटर इनकोडर का है और ब्लैक वाला पल्स मोटर इनकोडर का है ठीक है ये सारे जैक हमने बारी बारी लगा दिए हैं जनाब ये देखें जी अभी आप देख रहे हैं इसका पंखा उतरा हुआ है हम इसको ऑन करेंगे ऑन करके आपको दिखाते हैं जिसके अंदर एरर नहीं आएगा सात सौ चालीस का एरर इसमें रिमूव हो चुका है ठीक हो गया अभी देखेंगे जी आप सात सौ चालीस कह रहे हैं इसमें रिमूव हो चुका है ये हमने ये आपको दिखा रहे हैं जी कि ये इसके अंदर सामने मेन कार्ड है सबसे नीचे पीएमडी है साइड पे सीपीयू कार्ड है ये भी ऑन हो चुकी है इसके ऊपर कैमरा लेके जाएंगे जी ये देखें जी बड़ा सात सौ चालीस रिमूव हो गया है तो ये तरीका कह रहे जी सात सौ चालीस को रिमूव करने का ये देख लें इसमें फ़ैन भी उतरा हुआ है ये देख लें जी इसमें फ़ैन उतरा हुआ है यानी कि हमने फ़ैन का जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर दिया है वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हम आपके लिए नई और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ ला सकें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद